नमस्कार साथियों, नीलकंठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से आरएस की सीरीज में अगली कड़ी लेके प्रस्तुत हूँ। आज का विषय जो रहेगा वो यूनिट दो चैप्टर दो का व्यक्तित्व के उपागम, व्यक्तित्व अध्ययन के जो उपागम है, प्रकार उपागम और विशेषक उपागम, उनके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज हम देख रहे हैं यूनिट, वो है यूनिट टू। इसके अंतर्गत हम व्यक्तित्व के टॉपिक को देख रहे हैं। टॉपिक जो आज हम देखेंगे इसमें है व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम, जिसमें प्रकार सिद्धांत और शीलगुण या विशेषक सिद्धांत को हम देख रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम किसको देखेंगे, तो बात करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि मुख्य सुझाव कौन से तैयारी हेतु। जो बार बार मैं बोलता हूँ, पहली चीज, सिलेबस में दिए गए प्रत्येक पद के लिए परिभाषा को हमने 2 अंकों के प्रश्न के हिसाब से यानी 20 शब्दों के हिसाब से तैयार करना है। दूसरा, हमने प्रत्येक पद के लिए प्रायोगिक तथा व्यवहारिक उपयोगिता को 5 अंकों के प्रश्न और 50 शब्दों के हिसाब से तैयार करना है। और यदि अगर 100 शब्दों या 200 शब्दों वाला प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर जो हमने चीजें तैयार करी हैं उनको जोड़कर प्रश्नों को उत्तर लिख देना है, जिसमें हम विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार प्रशासक के रूप में या फिर एक व्यक्ति के रूप में उसको लिखेंगे। चलिए टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक है हमारे पास मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आपके पास 2 प्रकार के उपागम है, प्रकार उपागम टाइप अप्रोच और विशेषक या शीलगुण उपागम ट्रेट अप्रोच। तो प्रकार उपागम क्या है, जब हम बात करेंगे एक व्यवहारों के समुच्चय के आधार पर वर्गीकरण, जो बाह्य हमें व्यवहार प्रदर्शित हो रहे हैं उनका जो समुच्चय होगा उसके आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो ये प्रकार उपागम होता है। वहीं अगर हम विशेषक उपागम की बात करें तो विशेषक उपागम हमारे पास क्या है, विशिष्ट जो मनोवैज्ञानिक गुण है उनके आधार पर अगर हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं तो ये विशेषक उपागम होता है। तो 2 तरह के उपागमों के अंतर को हम देख रहे हैं। एक जगह हम बाह्य प्रेक्षित व्यवहार को वर्गीकरण का आधार बनाते हैं, दूसरा आंतरिक मनोवैज्ञानिक गुणों को हम आधार बनाते हैं। तो बिहेवियर सेट या फिर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्लासिफिकेशन का बेसिस है, उसके आधार पर हम प्रकार उपागम कहते हैं या फिर विशेषक उपागम कहते हैं। एक एक करके इन उपागमों को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकार उपागम टाइप अप्रोच रहेगा। तो टाइप अप्रोच में व्यक्तित्व के प्रारूप में जो समानताएं होती हैं उस पर आधारित व्यवहार के समुच्चय को हम प्रतिनिधित्व देते हैं प्रकार के रूप में। जो हमें समानताएं बाह्य व्यक्तित्व के आधार पर मिलेंगी, उसका समुच्चय के आधार पर मिलेगी, उनको हम टाइप में बांट देंगे। अब सबसे फेमस इसमें हम देखें तो मनोवैज्ञानिक शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित एक प्रारूप सर्वविदित है। ये उन्होंने शारीरिक बनावट और उसके स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत किया था। 3 वर्गों में इन्होंने बांटा था, गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक। तो गोल मटोल व्यक्ति या फिर दिखने में सुडौल व्यक्ति या दिखने में पतले छरहरे और लंबे व्यक्ति, इस तरह से उन्होंने जो बाहर रूप से हमें दिखता है 3 प्रकार का व्यक्तित्व, उसके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो ये प्रकार का सबसे आसान है कि हम कहेंगे मोटे प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं या पतले और लंबे प्रकार के व्यक्ति कौन से या फिर गठीले बदन के व्यक्ति कौन से, तो उसको नाम इन्होंने दे दिया गोलाकृतिक, लंबाकृतिक और आयताकृतिक। तो ये हमारे पास प्रकार उपागम है। इसमें अगर हम प्रकार उपागम के उपागम के ऊपर बात करें यानी सोच या चिंतन किस प्रकार का होता है, इसके ऊपर अगर प्रश्न आए तो हम देखेंगे कि व्यक्ति के प्रेक्षित व्यवहार परक विशेषताओं को हम व्यापक स्वरूपों पर परीक्षण करके मानव व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से हम जो परीक्षण करेंगे तो हम यहाँ पर प्रेक्षित व्यवहार देखे जाने वाले बाह्य व्यवहारों के विशेषताओं के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक व्यवहार परक स्वरूप व्यक्तित्व के किसी एक प्रकार को इंगित करेगा और उसके अंतर्गत उसकी तरह की समानता हम अलग अलग व्यक्तियों में ढूंढने का प्रयास करेंगे और फिर उसको एक प्रारूप के रूप में नाम दे देंगे। तो हम व्यवहार देखते हैं, जैसे कि शेल्डन ने देखा कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव अलग होता है, जो पतले होते हैं उनका स्वभाव अलग होता है, जो गठीले होते हैं उनका स्वभाव अलग होता है। तो उन्होंने 3 को स्वभाव से जोड़कर एक प्रकार बता दिया। तो इसे हम प्रकार उपागम कहेंगे, जहां पे हम प्रेक्षित व्यवहार को समानता के रूप में प्रकार बताने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अगर हम विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर बात करें तो पहला सिद्धांत, जैसा कि हमने देखा, शेल्डन द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत है, जो शारीरिक बनावट और स्वभाव के आधार पर, और इसमें 3 प्रकार के व्यक्तित्व दिए गए, गोलाकृतिक,
आयताकृतिक और लंबाकृतिक, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, गोलाकृतिक गोलमटोल, आयताकृतिक गठीले बदन के और लंबाकृतिक जो लंबे दुबले पतले छरहरे हुए, गोलाकृतिक जो बबली रहते हैं हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, आयताकृतिक जो हमेशा काजुल रहते हैं काम करते रहते हैं, और लंबाकृतिक जो हमेशा नाज नखरे वाले होते हैं। ये तीन प्रकार के इन्होंने वर्ग बताए, प्रकार बताए व्यक्तित्व के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास हिपोक्रेट्स का सिद्धांत, ग्रीक चिकित्सक हिपोक्रेट्स का सिद्धांत है जो कि व्यक्तित्व के को फ्लूइड के या ह्यूमर के आधार पर बांटते हैं, और उन्होंने चार वर्ग टाइप्स में बांटा है, चार प्रारूपों में बांटा है। पहला उत्साही सैंग्विन, दूसरा स्लैश्मिक फ्लेगमेटिक, तीसरा विवादी मेलनकॉलिक और चौथा कोपशील क्लोरिक, यानी जो बहुत उत्साह में रहते हैं या बहुत कम उत्साह में रहते हैं स्लैश्मिक, या फिर विवाद करते रहते हैं हमेशा, या फिर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। तो इन चार तरह के व्यक्तित्वों में फ्लूइड के आधार पर इन्होंने बांटा है, जो कि हमारे जो तरल के रूप में, तरल स्वरूप कहते हैं व्यक्तित्व का, तरल स्वरूप के रूप में हिपोक्रेट्स को कहते हैं। भारत में भी इसी तरह का प्रारूप विज्ञान पहले से था, और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में चरक संहिता, आयुर्वेदिक ग्रंथ है चरक संहिता ने, उसने त्रिदोष जो ह्यूमरल तत्व है वात पित्त और कफ इनके आधार पर वर्गीकृत किया है, और प्रारूप मनुष्य के व्यक्तित्व को बताया। ये जो इन्होंने तीन प्रारूप दिए हैं ये त्रिगुण कहलाते हैं, ये है सत्व रजस और तमस, तीन प्रकार के व्यक्तित्व इन्होंने बताए हैं जो कि ह्यूमरल तत्वों वात पित्त और कफ के आधार पर बांटे गए हैं। फिर हम बात करते हैं तो प्रकार उपागम के सिद्धांतों में नेक्स्ट आता है जुंग का सिद्धांत। जुंग का सिद्धांत मनुष्य जो लैंगिक है उसके ऊपर आधारित, और ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार के वर्गीकरण देते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता, शांत रहता है, अपने में खोया रहता है, जबकि बहिर्मुखी बहुत ज्यादा बातचीत करता है, दूसरों के साथ संबंध बनाने में हमेशा तत्पर रहता है। इस तरह के व्यक्तित्व को वो क्या देखते हैं, जुंग के रूप में, जुंग बहिर्मुखी के रूप में देखते हैं। तो ये दो प्रकार का वर्गीकरण प्रकार उन्होंने बताया है। और हाल ही के वर्षों में फ्रिडमैन और रोजनमैन का टाइप ए और टाइप बी वर्गीकरण आया है, खासकर बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जब हम संस्थागत व्यवहार मनोविज्ञान में इसकी बहुत महत्ता को देखते हैं, और सिविल सेवा के माध्यम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है। यहाँ पे हम व्यक्ति को, व्यक्तित्व को मनोसामाजिक जोखिमों के आधार पर प्रारूपों की खोज करते हैं। जैसे हम ये कैसे देख सकते हैं कि अगर कोई अफवाह फैलेगी तो अफवाह फैलने के बाद कौन सा व्यक्ति हिंसक हो सकता है, या कौन सा व्यक्ति हमारे पास मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जो आ रही है उसको अंजाम दे सकता है। ठीक है, भीड़ है, भीड़ को गुस्सा कैसे आएगा, ये सब चीजें हम कैसे देखें। तो हम व्यक्ति के साइकोलॉजिकल रिस्क की बात करें, यानी अगर हमें योजनाएं बनानी है तो योजनाओं का आधार क्या होना चाहिए, क्या साइकोलॉजिकल रिस्क हो सकते हैं योजनाओं में, तो उसके अंतर्गत हम इसमें बातें कर रहे हैं। तो ये जुंग का, सॉरी फ्रिडमैन और रोजनमैन का, इसमें अब टाइप सी और टाइप डी भी मॉरिस ने, फिर फ्रिडमैन ने, इन दोनों ने दो और व्यक्तित्व के प्रारूप भी दिए। इसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसको पढ़ना है, इसको तब हम देखेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं तो विशेषज्ञ उपागमों की बात करते हैं, ट्रेट अप्रोच की बात करते हैं। इसमें विशेषज्ञ उपागम विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पर बल देता है, जिसके आधार पर व्यक्ति संगत और स्थिर रूपों में भिन्न होते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके थे कि मनोवैज्ञानिक गुणों के ऊपर आधारित विशेषज्ञ उपागम होता है, वर्गीकरण किया जाता है। ये वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जो मनोवैज्ञानिक उपागम है वो ये बताते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग समय संगत क्यों है, कंसिस्टेंट क्यों है उसका व्यवहार, या उसमें स्थिरता किस प्रकार की आ रही है। ये जो स्थिर गुण है जो कि मनोवैज्ञानिक गुणों के कारण हमें व्यवहार में दिखाई दे रहे हैं, इनका आधार बना के जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसे विशेषज्ञ या ट्रेट अप्रोच कहते हैं। इसमें अगर हम उदाहरण देखें तो एक व्यक्ति कम शर्मीला है, दूसरा व्यक्ति अधिक है, एक व्यक्ति कम दोस्ती करता है, दूसरा व्यक्ति अधिक करता है, तो ये क्यों कर रहे हैं। हम अगर इसके मनोविज्ञान को जानेंगे तो हम पाएंगे कि जो व्यक्ति कम शर्मीला है उसमें कौन से मनोवैज्ञानिक गुण है, जो व्यक्ति अधिक शर्मीला है उसमें कौन से मनोवैज्ञानिक गुण है। तो इसके आधार पर अगर हम उपागम को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं अध्ययन में, तो इस अध्ययन में विशेषज्ञ सिद्धांत मुख्यतः व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन अथवा विशेषीकरण से संबंधित होता है, क्योंकि मनोविज्ञान पर ही व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व व्यवहार निर्भर करता है। इसीलिए जो बेसिक कंपोनेंट्स है, आधारभूत घटक है, ये मुख्यतः उसको उससे संबंधित होगा।
दूसरा अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्वों बिल्डिंग ब्लॉक्स की खोज भी ये करते हैं, जो हमारे पास हम बार बार कह रहे हैं कि जो व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे वो मनोवैज्ञानिक तत्व करते हैं। तो विशेषक उपागम जितने भी मनोवैज्ञानिक तत्वों को बताएंगे वो एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी कहलाते हैं, व्यक्तित्व के मूल तत्व कहलाते हैं। विभिन्न व्यक्तित्व को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो लक्षण हैं, ये जो विशेषक हैं, ये हमें उस व्यक्तित्व को समझने में बहुत मदद करते हैं। जब हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि हम एक्चुअली इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर, ट्रेट्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, इन्हीं विशेषकों के ऊपर या लक्षणों के ऊपर बात कर रहे होंगे। अगर इसमें हम सिद्धांतों के ऊपर बात करें तो सिद्धांत हमारे पास, पहला सिद्धांत इसमें एल्पोर्ट का है, जिन्होंने करीब 4500 लक्षणों को या सील गुणों की सूची बनाई और इसके आधार पर तीन वर्गों में वर्गीकृत किया। ये वर्ग थे कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स, प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक तथा गौण विशेषक। तो गौण विशेषक सेकेंडरी ट्रेट्स वो लक्षण थे जो लगभग सभी में पाए जाते हैं, तो इसे उन्होंने सेकेंडरी ट्रेट्स कहा। व्यक्ति में विशेषतः जो पाए जाते हैं और व्यक्ति के केंद्रिक लक्षणों का, उसके व्यक्तित्व का कारक बनते हैं, उसे उन्होंने सेंट्रल ट्रेट कहा। यानी जो व्यक्तित्व को बताएंगे व्यक्तित्व इस तरह का है, वर्गीकरण में मुख्यतः सेंट्रल ट्रेट्स हमें वर्गीकृत करते हैं। जब हम कहते हैं अच्छा वो तो बड़ा गुस्सा करते हैं या वो तो बड़े बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, तो हम सेंट्रल ट्रेट्स की बात कर रहे होते हैं। और फिर हम प्रमुख विशेषक कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति को में विशिष्ट तौर पर है, यानी सब में अलग अलग वर्गों में नहीं पाया जा रहा, वो सिर्फ व्यक्ति में पाया जा रहा है। तो जैसे गांधी जी सत्यवादिता थे, सत्यवादिता की पराकाष्ठा, या फिर हम नाम जोड़ लेते हैं जो प्रमुख विशेषक होते हैं, सेंट्रल ट्रेट होते हैं, उनसे तो हम व्यक्तित्व का नाम तक जुड़ जाते हैं, व्यक्तित्व उसी से पहचाना जाने लगता है। जैसे भगत सिंह के नाम पर हम शहादत को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम एल्पोर्ट के सिद्धांत की बात कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम इसमें सिद्धांत देखें तो नेक्स्ट सिद्धांत इसमें है आइजेंक का। आइजेंक ने व्यक्तित्व को सातत्यता के रूप में बांटा। जब वो जुंग के सिद्धांत को अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जुंग का सिद्धांत जो है वो अपने आप में प्रकार न होकर एक सातत्यता है। यानी जब हम जुंग के सिद्धांत को अंतर्मुखी और बाह्यमुखी को देखें तो इसका उन्होंने एक अंतर दिया। उन्होंने अंतर क्या दिया, एक व्यक्ति घर में तो अंतर्मुखी है लेकिन बाहर जाके बहुत बातें करता है, वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो घर में बिल्कुल बात नहीं, घर में बहुत बात कर रहा है और बाहर जाके बिल्कुल बात नहीं कर रहा, तो ये अंतर है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो है सातत्यता में रहते हैं, परिस्थितिवश कोई किसी तरह के हमें लक्षण दिखाई देता है, तो इसीलिए उसको प्रकार के रूप में नहीं बांटेंगे, ये हम मनोवैज्ञानिक तत्वों के ऊपर बात करेंगे। तो उन्होंने तीन प्रकार के सातत्यता आयाम दिए जो कि जैविक और आनुवांशिक आधार पर है। जो ये तीन आयाम युग्म दिए वो है हमारे पास तंत्रिका तापिता बनाम संवेगिक स्थिरता, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, जो एक संवेगी रूप से स्थिर रहता है, दूसरे को गुस्सा या फिर क्रोध बड़ी जल्दी आता है, रोना बड़ी जल्दी आता है, तो उसे उन्होंने तंत्रिका तापिता कहा, और दूसरा संवेगिक रूप से स्थिर कहा। इसके बीच में तो कोई किसी लक्षण में संवेगिक स्थिर रहेगा, कोई किसी उसी लक्षणों में गुस्सा कर सकता है, रो सकता है, भय लग सकता है उसको, तो ये तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता। दूसरा बहिर्मुखिता और अंतर्मुखिता, जो हमने अभी चर्चा ही करी थी कि व्यक्ति कहीं पर बहिर्मुखी हो जाता है, कहीं अंतर्मुखी हो जाता है। और तीसरा मनस्तापिता और सामाजिक, कोई व्यक्ति अकेले रहना चाहता है कहीं पे, कभी वो अकेले रहना चाहता है, कभी समाज के बीच रहना चाहता है, तो अलग अलग तरह के व्यक्तित्व दिखते हैं, और ये सातत्यता के रूप में हमें आइजेंक ने इसको बांटते हुए दिखाया। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो हमारे पास अगला जो सिद्धांत है वो नया सिद्धांत पंचकारक मॉडल है, जो कि पॉल कॉस्टा और रॉबर्ट मैक्रे का है। तो कॉस्टा और मैक्रे जो दे रहे हैं ये बिग फाइव फैक्टर्स देते हैं, बड़े वृहत पांच कारक कहलाते हैं। ये है अनुभवों के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, तंत्रिका ताप और अंतर विवेकशीलता। तो पहली चीज अनुभवों के लिए खुलापन, यानी व्यक्ति सुधार के लिए और बदलाव के लिए कितना तैयार है। अगर व्यक्ति तैयार है सुधार के लिए और बदलाव के लिए तो फिर ये अनुभवों का खुलापन है। दूसरा बहिर्मुखता, यानी व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ कितना बात करने के लिए तैयार है। व्यक्ति किसी से बात करता है, किसी से बात नहीं करता, तो इसके आधार पर हम बहिर्मुखता देखेंगे। ध्यान रखिएगा ये पांच लक्षण हम सिविल सेवक में ढूंढते हैं, क्योंकि किसी भी सामाजिक कार्य के लिए इन पांचों की आवश्यकता होती है। फिर सहमतिशीलता, सहमतिशीलता एग्रीएबलनेस, यानी व्यक्ति दूसरों के विचारों से कितना सहमत होता है और अपने विचारों से दूसरों को कितना सहमत कर पाता है। तीसरा तंत्रिका ताप, यानी व्यक्ति अपने संवेगों पर कितना अधिक नियंत्रण रख पाता है या नियंत्रण खो देता है। और अंतर विवेकशीलता, जो कि नैतिकता से संबंधित है, कि व्यक्ति विभिन्न
निर्णयों को लेते समय अंतर विवेकी कितना है, वह कितना विवेक के आधार पर निर्णयों को लेता है। तो ये विशेषक उपागम के सिद्धांत थे और ये दोनों का वर्गीकरण था। तो साथियों, ये था आज का विषय जो कि हमने देखे विभिन्न उपागम जो कि व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट जो मैं लेके चलूंगा वो सिद्धांतों के ऊपर बात करूंगा, पहले प्रकार सिद्धांतों के ऊपर और फिर शील गुण सिद्धांतों के ऊपर, विशेषक सिद्धांतों के ऊपर। तो इंतजार कीजिएगा, जल्द ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए और ये सीरीज अब कंटिन्यूली चलती रहेगी। बीच में अपने व्यक्तिगत परेशानी के कारण मैं वीडियो लगातार आपको नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूं हूं। और जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार कि आप लोगों ने इंतजार किया। और सभी जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद और नमस्कार। फिर मिलते हैं दोस्तों।